Two uniformly large parallel thin plates having charge density plus sigma and minus sigma are kept in xz plane at a distance of d apart. Sketch an equipotential surface due to electric field between the plates. If a particle of mass m and charge minus q remains stationary between the plates, what is the magnitude and direction of this field? अब प्यारे बच्चों, दो प्लेट्स ऐसे बना लेता हूं, एक ये रही और एक ये रही, एक का चार्ज प्लस सिग्मा और एक का चार्ज माइनस सिग्मा। तो ये अगर प्लस सिग्मा है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये अगर प्लस सिग्मा चार्ज है, ये माइनस सिग्मा चार्ज है। आपको पता प्लेट्स के बीच में किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है प्यारे बच्चों। हाँ सर, ये तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगी टोटल। हाँ वो तो मिलेगी, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी ऐसे मिलेगी प्यारे बच्चों, ऐसे मिलेगी। क्लियर? जस्ट ए सेकंड। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी वहां पे। IIT जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 out of 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 out of 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर वन करना है, मान एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकंड, आई होप नाउ इट इज गुड। चलिए, तो प्यारे बच्चों हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यही देखने को मिलेगी हमें। तो यूनिफॉर्म होती इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे प्यारे बच्चों, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी ये कोई भी सरफेस आपका ऐसे स्क्वायर टाइप कोई भी अगर मैं सरफेस बना दूंगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में प्यारे बच्चों, वो क्या होगा अपने पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर? इसी तरह यहां भी बन सकता है, यहां भी, या ऐसे टेढ़ा है, समझ गए ना, इसीलिए यहां से टेढ़ा बनाया है, ऐसे है ये। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। आगे क्या बोलता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर दिया, ठीक है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू रिमेन स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स, अगर कोई चार्ज प्यारे बच्चों माइनस क्यू वैल्यू का, अच्छा इसको हटा दो एक बार, अगर एक माइनस क्यू वैल्यू का चार्ज इन प्लेट्स के बीच में स्टेशनरी रहता है, यानी इक्विलिब्रियम में, अच्छा तो बताओ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या होगी। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, ये यहां पे कैसे रुका रह सकता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगी, ना नेगेटिव है, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगी प्यारे बच्चों। अब कैसे रहेगी, जरूर इस पर कोई ना कोई फोर्स इस तरफ लगना चाहिए इसके बराबर, तब जाके स्टेशनरी रहेगा। अब और फोर्स तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वो भी नीचे की तरफ होगा, तो दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ हो गए प्यारे बच्चों, तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है। हाँ, यानी जरूर अपना ये वाला तो पॉजिटिव है प्यारे बच्चों और ये वाला माइनस सिग्मा प्लेट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहां पर रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज, कोई दिक्कत नहीं अब तक, जितना क्या सही था बिल्कुल आपका, उसको बदलना मत। हाँ तो सर ये तो होगा नहीं, अरे अरे ये तो बाद की बात है ना, बाद में आया ना ये चीज, तो हाँ कि अगर माइनस क्यू यहां पे रख दूं तो वो स्टेशनरी रहे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, इसको ग्रेविटी नीचे लेके आएगी एमजी फोर्स के साथ बिल्कुल, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ होगी तभी इस नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट साइड में लेके जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स क्यू ई से, हाँ F = क्यू ई, तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये स्टेशनरी रहेगा। सो इफ माइनस क्यू
has to remain stationary, then Q E should be equal to mg. So E will be equal to mg by Q. Values दे नहीं रखे तो ऐसे का ऐसा put करेंगे प्यारे बच्चों. Clear? ये minus put करने की जरूरत नहीं है, इसका magnitude ही put करना है यहाँ पे. और electric field will be from upper side to the lower side. Okay, from the upper plate to the lower plate, प्यारे बच्चों, electric field की direction. कैसे पता चला electric field की ये direction है? अच्छा, वो तो ऐसा ही बनेगा ना, equipotential surface तो अभी भी lines are perpendicular to it, ये ऐसे पड़ा रहेगा. ठीक है, हाँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे पता चला कि नीचे की तरफ है? भाई ये माइनस क्या चार्ज यहां पे स्टेशनरी तभी रह सकता है जब इसके mg के बराबर कोई ना कोई फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगे. ऊपर की तरफ फोर्स इस पे लगाना है नेगेटिव चार्ज पे, तो जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होनी चाहिए. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तभी तो स्टेशनरी रह सकता है. क्लियर? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 49, क्वाइट एन इजी वन, दिल्ली 2011 का, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ लेकिन इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों. Now question number 50 on your screen. ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों. इस तरह का दो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं. देखो डायपोल ही तो दे रखा है यार. हाँ, ए डायपोल विद इट्स चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट द जीरो माइनस बी जीरो एंड जीरो प्लस बी जीरो. यानी प्यारे बच्चों, एक्स ये मान लू, वाई ये मान लू और जेड ये मान लू. ठीक है सर. अब जीरो माइनस बी जीरो यानी माइनस बी यानी वाई के अलोंग यहां पे चार्ज रखा है कितना? माइनस क्यों. अच्छा भैया, ए पॉइंट पे. और जीरो प्लस बी यानी यहां पे ये माइनस बी था, ये प्लस बी है, तो ये पॉइंट बी मान लेता हूं, यहां पे प्लस क्यों चार्ज रखा है. ठीक है, ये मिड पॉइंट है जीरो जीरो जीरो. ओके, इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है प्यारे बच्चों. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. The equipotential surface of this field are planes parallel to YZ plane. Y और Z plane में, Z आपकी तरफ है, यानी equipotential surfaces जो हैं, वो इन planes के parallel है प्यारे बच्चों. Equipotential surface कुछ ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है. तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. क्लियर है? अच्छा भाई, पूछा क्या है, अब आ जाओ. What is the direction of electric field? Direction of electric field will be along positive x-axis, प्यारे बच्चों. उस तरफ होगी. पता चल गया? हाँ. कैसे? Because as the equipotential surfaces are lying in the plane YZ, यानी ऐसे हैं. ये Z ऐसे है प्यारे बच्चों. YZ plane में है equipotential surface, तो electric field will be perpendicular to the equipotential surface, है ना? हाँ. तो ऐसे प्यारे बच्चों electric field along x आ गई. अब how much torque would the dipole experience in this field? कितना टॉर्क ये डायपोल फील करेगा इस फील्ड में प्यारे बच्चों? एक बात बताओ, डायपोल की डायपोल मोमेंट किस तरफ है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों. अच्छा, ई की डायरेक्शन इस तरफ. टॉर्क का पता है आपको क्या होता है? पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई होता है. अब पी की वैल्यू कितनी? क्यू इंटू टू एल, टू एल दोनों के बीच की डिस्टेंस, चार्ज क्यू, कोई भी एक चार्ज. अच्छा, डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की y के अलोंग यानी j कैप के अलोंग प्यारे बच्चों. क्रॉस e कैप, e वेक्टर इस तरफ है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे और किस तरफ? i कैप की तरफ. क्लियर? यानी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ. और बस इतना ही लिखना है. यानी अब q e 2 यहां पे l की जगह पे प्यारे बच्चों ये b है, ये b है, ये डिस्टेंस l का काम b कर रहा है यहां पे, तो इनटू में b. Clear? और ये J क्रॉस I क्या होता है? J क्रॉस I, I क्रॉस J K होता है, तो J क्रॉस I माइनस K होता है प्यारे बच्चों. यानी टॉर्क विल बी इक्वल टू माइनस टू Q E B K कैप. माइनस K कैप के लिए माइनस यहां लगा दिया मैंने, K यहां लग गया. क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स हाउ टू फाइंड द टॉर्क. टॉर्क का मैग्नीट्यूड और भी आसान था निकालना. इसको PE साइन थीटा लिख देंगे आप, लेकिन ए की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैग्नीट्यूड क्या ही निकालना. यह आ गया मैग्नीट्यूड जो भी है प्यारे बच्चों. बस इतना K की डायरेक्शन में, नेगेटिव K की यानी अंदर की तरफ बोर्ड के. ये पॉजिटिव Z, वो नेगेटिव Z. क्लियर है? कर सकते हो. दिल्ली 2010 का आसान सा क्वेश्चन, 2x2 आपको दिलवा देगा प्यारे बच्चों. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है प्यारे बच्चों. हाँ, एक एक करके सारे करेंगे. 51. State the significance of negative value of electrostatic potential energy of a system of charges. क्या significance है इस बात का कि एक system of charges की potential energy negative है?
तो इसका सिग्निफिकेंस ये है प्यारे बच्चों कि अगर एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो समझ लो उसके चार्जेस बाउंड है एक दूसरे के द्वारा, फ्री नहीं है मूव करने के लिए। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों तरह के चार्ज उस सिस्टम में इंक्लूड है, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव होगी प्यारे बच्चों, पॉजिटिव नहीं होगी। समझ में आया? सो पोटेंशियल एनर्जी बीइंग नेगेटिव शोज दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस इन द सिस्टम। चले आगे। चले भैया, थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एज शोन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सेम ऐसे ही करना है प्यारे बच्चों जिस तरह से हमने अभी अभी ये वाला क्वेश्चन यहां पे किया था। सेम ऐसे ही ट्रायंगल है, बस तीनों चार्जेस की वैल्यू उसने चेंज कर दी है। यहां पे 2 1 माइक्रो कूलम के थे, 1 -4 माइक्रो कूलम का था, डिस्टेंस इनके बीच 10 सेंटीमीटर थी। और अब जो अपने पास क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों उसमें बस दोनों चार्जेस 1 माइक्रो कूलम के ना होके, एक 4 का एक -4 का है और दूसरा -4 का ना होके +2 माइक्रो कूलम का है, और इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, ध्यान रखना। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा भैया 51। अरे 2003 में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 out of 3 यार, कितना आसान कर देंगे भैया। इसका आंसर बता दूं आपको, आंसर बता दूं, जस्ट ए सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया था, 2023 का रीसेंट क्वेश्चन पेपर से। हाँ तो इसका आंसर बता देता हूं प्यारे बच्चों, 51st क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा -72 × 10⁻⁹, -72 × 10⁻⁹ जूल आएगा प्यारे बच्चों, कर सकते हो, इतना आंसर इसका आ जाएगा। सोल्व करके देखना है, ना हो तो मेरे पास बता देना, मैसेज कर देना भैया, कहां पे, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, बोलो सर लाइव क्लास लेनी है, लाइव डाउट क्लास लेनी है, मैं तैयार हूं प्यारे बच्चों। जूम का लिंक मैं आपको सेंड करूंगा, आपकी डाउट सोल्व हो जाएगी। कोई भी डाउट हो फिजिक्स की, सिर्फ यही नहीं, कोई भी डाउट हो इस नंबर पे हेलो भेज देना, मेरा रिस्पांस ना आए तो मेरी गर्दन रिस्पांस देगी। हाँ हाँ, कार्ड मत देना भैया, बदल चुका है माहौल। क्वेश्चन नंबर 52, 2 point charges +Q1 and -Q2 आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस ए थर्ड चार्ज Q3। हाँ तो ये भी क्या है भैया, बिल्कुल आसान है यार। हाँ तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या, टू प्लेस द थर्ड चार्ज Q3 एट, एक सेकंड प्यारे बच्चों, एट 52, क्वेश्चन नंबर 52 ये है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, एट द मिड पॉइंट ऑफ, ऐसे लिख लो प्यारे बच्चों, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, हो जाती मिस्टेक प्यारे बच्चों, ये लाइन मिसिंग है ये फर्स्ट पार्ट की। तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, 2 point charges है, +Q - Q r डिस्टेंस पे एक दूसरे से, ये +Q है, +Q1 लिखा इसने, और यहां पे -Q2 है, ये -Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस है प्यारे बच्चों d डिस्टेंस अपार्ट है एक दूसरे से, r डिस्टेंस है। लो भैया जो देर का वो निकलेंगे हम, तो ये लो r डिस्टेंस पे है। तो बोलता है कितना वर्डन करना पड़ेगा एक तीसरे चार्ज Q3 को इनके बिल्कुल बीच में रखने के लिए। ये Q3 यहां पे रखा प्यारे बच्चों, यानी इसकी डिस्टेंस यहां से भी r/2 है और यहां से भी r/2 है, तो इसको रखने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा आपको जिस चार्ज को लेके आए हो वो, और इनटू में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पहले तो जिस चार्ज को लेके आए हो वो चार्ज इनटू में पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट दैट पॉइंट, प्लस में जिस चार्ज को लेके आए हो वो चार्ज यानी ये, और इनटू में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू द चार्ज Q2। तो यहां पे किस चार्ज को लेके आए हो, Q3 को, V कितना वहां पे इसके कारण, यहां पे Q/r यानी r/2, तो 2 ऊपर चला गया, क्लियर। प्लस में जिस चार्ज को लेके आए हो Q3 को, अच्छा किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, तो इसका पोटेंशियल यहां पे -Q2 है तो माइनस आ जाएगा, K ऐसे का ऐसा, Q और बाय में डिस्टेंस r/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया भैया, ये आंसर आ गया, कितना आसान था सर। वर्क डन इज इक्वल टू Q × V, लेकिन सारे चार्जेस के अगेंस्ट Q × V प्यारे बच्चों, इसको लेके आए हो इसके अगेंस्ट Q × V, प्लस में इसके अगेंस्ट Q × V, बस क्लियर। नेक्स्ट चले, सो दिस वाज
दिल्ली 2023 मार्क क्वेश्चन 1.3 तो हो गए पक्के। अब सेकंड पार्ट में देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू वन, अच्छा इस प्लस क्यू वन चार्ज से कितने डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों, ये क्यू वन है और ये माइनस क्यू टू था, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू वन ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ क्यू वन क्यू टू एंड आर विल दिस वर्क डन बी जीरो, किस पॉइंट पे जाके ये वर्क डन जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा हाँ, किसी तीसरे चार्ज को लाके कहां पे रखूंगी वर्क डन जीरो हो, जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा दोनों के कारण, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल मान लिया पी पॉइंट पे किसी चार्ज क्यू थ्री को रखने में जीरो वर्क डन करना पड़ा, यानी जरूर पी पे पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों के कारण टोटल। हाँ तो पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू जीरो, और वो कितना है पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू वन, यानी के क्यू वन बाई ये डिस्टेंस एक्स मान लेता हूं क्यू वन से, जहां पे पोटेंशियल जीरो है, क्लियर। प्लस में इसके कारण यहां पोटेंशियल के क्यू टू माइनस क्यू टू है, तो माइनस क्यू टू बाई में डिस्टेंस ये कितनी है भैया डिस्टेंस, ये पूरा डी था ये एक्स है, तो डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स ये पूरा इक्वल टू जीरो है प्यारे बच्चों। तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, यानी के क्यू वन बाई एक्स इज इक्वल टू के क्यू टू बाई डी माइनस एक्स, उस तरफ जाके प्लस का, तो के से के कैंसल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एक्स क्यू टू विल बी इक्वल टू क्यू वन डी माइनस में क्यू वन एक्स, क्लियर है। अब ये भी एक्स इसको इस तरफ ले आओ, सो एक्स क्यू टू प्लस में एक्स क्यू वन इज इक्वल टू क्यू वन डी, हाँ यानी यहां से अपने पास एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से, बिल्कुल। तो यहां पे एक्स बाहर बचेगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों क्यू वन डी बाई में क्यू वन प्लस क्यू टू बाई में क्यू वन प्लस क्यू टू। क्या मुश्किल था क्या, कितना आसान है यार, आप सबको आते तो ये सारे क्वेश्चन, सो पार्ट टू तो बिल्कुल ही आसान था, दिल्ली 2020 का ये प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50।